अमेठी में शनिवार की सुबह करीब 10 बजे नगरपालिका चॉइस के सभासद अशोक कुमार मौर्य की अगुवाई में तमाम सभासद नगरपालिका सभागार पहुंचे और एक समाचार पत्र में छपी खबर का विरोध करने लगे, जिसमें पालिका अध्यक्ष की ओर से बयान छापा गया था कि बोर्ड की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सभासदों का कहना है कि बैठक के एजेंडे में जब 3 मुद्दों पर चर्चा दर्शाया गया था तो पालिका अध्यक्ष ने 15 प्रस्ताव और 2 करोड़ का बजट पास करने का प्रस्ताव पारित होने का बयान कैसे दे दिया। सभासदों ने पालिका परिसर में घूम घूम कर विरोध प्रदर्शन किया। सभासद अशोक मौर्य का कहना है कि नगर पालिका की दुकानों को किराए पर दिए जाने और दुकानदार द्वारा 2 दुकान को तोड़फोड़ कर किए जाने में धांधली हुई है। इसके अलावा नगर पालिका की मिली भगत से कई भूमि पर अवैध कब्जों को भी नगर पालिका प्रशासन छुड़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। उधर नगर पालिका के ईओ रविंद्र कुमार का कहना है कि बोर्ड की बैठक में सभासदों के प्रस्ताव नाली सड़क पेयजल विद्युतीकरण ही पारित हुए हैं। महाविद्यालय निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से मोहम्मद फहीम, बंसीलाल सोनकर, शरीफ कुरैशी, राम प्रकाश, धर्मेंद्र कोरी, आसिफ इकबाल कई सभासद प्रतिनिधि शामिल थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहीम हुसैनी है। हाँ भैया, आपका नाम? मोहम्मद फहीम हुसैनी। आप किस वार्ड के सभासद? वार्ड नंबर 18। हाँ, क्या भैया, क्या किस बात को लेकर आज विरोध हो रहा है? इस बात को लेकर विरोध हो रहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वो दैनिक जागरण या जो भी पेपर में समाचार पत्र में आया है वो छापा नहीं गया। मेरा प्रस्ताव ये था, नगर पालिका सीमा के अंदर जो कब्रिस्तान है नगर पालिका में उसको चढ़ाया जाए। उसकी वजह ये आए दिन ये मामले होते हैं कि मिट्टी रखी रहती है, मिट्टी होती नहीं है, इस पर रोक लगा रहे। तो कब्रिस्तान है जो भी सीमा के अंदर हैं उसको नगर पालिका में चढ़ाया जाए अध्यक्ष के द्वारा। और दूसरा, एक सेकंड जी, अध्यक्ष के द्वारा जो अपने पैड पे दिया गया पत्रकारों को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई बोर्ड बैठक की, क्या वो सही थी या गलत? नगर पालिका ने जो अध्यक्ष महोदय ने जो प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन वो बोर्ड की बैठक में वो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। भाई नगर जायज नगर पालिका में डिग्री कॉलेज की जरूरत है, बस स्टाफ की जरूरत है, लेकिन उनकी ये है कि उन्होंने ये प्रस्ताव बोर्ड में रखा नहीं। दूसरा चीज, नगर पालिका एक्ट में कोई डिग्री कॉलेज या बस स्टाफ बनवाने का कोई एक्ट है ही नहीं। और मेरा दूसरा प्रस्ताव ये था कि धार्मिक परियोजन हकीका मुंडन के बारे में हमारा प्रस्ताव था, उसके बारे में भी कोई चर्चा हुई, लेकिन हकीका मतलब चालू हो जो बंद हुआ। हाँ, हकीका अगर हकीका धार्मिक परियोजन जो है धारा 248 के तहत, तो अगर वो है नगर पालिका एक्ट में है तो उसको कराया जाए। मेरा ये प्रस्ताव था, ये भी नहीं हकीका चालू किया जाए, हकीका चालू किया जाए। प्रस्ताव इन्होंने लिख के डाले हैं, ये इन्होंने इनके किसी चाहे पीआरओ ने चाहे इन्होंने जो है इनकी मर्जी से थे ये प्रस्ताव, ना तो बोर्ड में रखे गए हैं ना तो इन पर कभी इस पर चर्चा हुई। और ये जिस चीज़ के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव डाल के इन्होंने जो अनुमोदित कर दिया है, इसको जब आज तक हमारी 3-3 सरकारें नहीं पूरी कर पाई, न कांग्रेस कर पाई, न भाजपा कर पाई, न अन्य दल कर पाए जो है, न तो डिग्री कॉलेज आज तक बनवा पाए, ना CBSE बोर्ड का स्कूल बनवा पाया जो है ना ही इस तरह की कुछ कार्य कर पाए, तो उसको हमारी नगर पालिका की क्या औकात की करवा लेगी? कौन इनके पास इतना बड़ा बहुत बड़ा फंड है कि जिसके बल पर ये डिग्री कॉलेज बनवा लेंगे, इंटर कॉलेज बनवा लेंगे, जो CBSE बोर्ड का जो है 1 से लेकर 8 तक स्कूल बना लेंगे जो है इस तरह की जो है मतलब जो, या तो फिर आप अगर आपको इसमें प्रस्ताव में डालना था तो आप पूरे बोर्ड की सहमति से डाल दें, बोर्ड पर इसकी आप चर्चा करवाते जो है, तब तो ये कहने वाली योग्य बात थी जो है। यानी पूरे बोर्ड को ये बेवकूफ़ समझ के अंधेरे में अपने आप में सिर्फ सबसेट बनना चाहते हैं। कार्रवाई रजिस्टर आप लोगों के समक्ष नहीं आया क्या? कार्रवाई रजिस्टर कभी भी हम लोगों को समक्ष नहीं रखा जाता। एक शुक्ला जी वही अपने पास रखते हैं, वही अपना नोट करके वहीं से लेके निकल जाते हैं। हस्ताक्षर सभासदों के कार्यवाही रजिस्टर पर हम लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया कि जब भी आप प्रोसीडिंग बुक पर कोई भी प्रस्ताव लिखे उसके बाद जो है बोर्ड में इसको सारे जो है सदस्यों को दिखाना चाहिए, उनको जो है उसको लाग करना चाहिए कि यहाँ से कार्रवाई बंद की जाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है, आपका आरोप ये है कि यहाँ पर जो बैठक होती है आप लोगों के सामने ना तो कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत होता है और ना उस पर हस्ताक्षर कराया जाता है। हस्ताक्षर करता ही नहीं होते जो बिल्कुल समझिए, ये बड़ा आरोप है। कभी कभी वो लाख होते हैं नहीं भाई, तुम आप मीटिंग करने के बाद चाहे जो आप अपना प्रस्ताव लिख के डाल दो जो है, जबकि इसको बार बार कहा जाता है कि आप दिखाइए इसको जो लिखते हैं। कुल मिला के आप समझ लीजिए जो है ये बिल्कुल टोटल बचकारी हरकत में साबित हो रहा है ये जो है।
जो काम हम नहीं कर सकते, हम जो है उसको कैसे डायरेक्ट दावा कर सकते हैं कि ये काम हम करवा लेंगे। हम अपनी जांच की तो रिक्वायरमेंट आज सभा सात लोग इकट्ठा हुए हैं, किस चीज को लेकर विरोध हुआ है? इसी चीज को लेकर विरोध हुआ है, जो इन्होंने प्रस्ताव जो है बगैर बोर्ड की चर्चा के बगैर जो इन्होंने बगैर सहमति बगैर अनुमति के जो इन्होंने अपनी तरफ से लिख के प्रस्ताव में डाल दिया, पेपर में इसको डाला, इस पर इस बात का विरोध हो रहा है इनका। किस पेपर में डाला था ये? अब दैनिक जागरण की प्रति तो सामने आई, अमर उजाला का नाम सामने खुल के आ रहा है।